हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज है सैटरडे और आफ्टरनून का टाइम है। अभी हम निकल रहे हैं थोड़ा सा बाहर, आज जा रहे हैं आइकिया। तो जिसका प्लानिंग चल रहा था कुछ दिनों से, लेकिन आज हुआ है, सडनली प्लान बना है। तो ठीक है, चलिए अभी निकल जाते हैं और देखती हूँ वहाँ पे अलाउ करते हैं कि नहीं शूट करना। अगर वो अलाउ करेंगे तो शेयर तो मैं बिल्कुल करूँगी। तो ठीक है, बाहर जाके मिलते हैं। तो हम आ गए हैं स्टेशन में और हम जा रहे हैं, वो जो भाभी है, मतलब जो लोग चले जा रहे हैं यहाँ से, उनके साथ ही प्लान हुआ था, तो आज जाके हो रहा है एग्जीक्यूट। तो ये है रेडिंग में, तो यहाँ से हम जाएंगे रेडिंग। तो अभी 10 मिनट्स बाद है ट्रेन। तो हम पहुंच गए हैं रेडिंग और यहाँ से अभी थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो इसलिए अभी बस उबेर बुक किया है, आ जाएगा। मैंने पहले सोचा था कि शायद वॉकिंग डिस्टेंस होगा यहाँ से, लेकिन नहीं है। और आज वेदर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ब्राइट डे जिसको बोलते हैं, आज वैसा ही है। हवा है, विंडी है, लेकिन बहुत ज़्यादा विंडी भी नहीं है, सूदिंग प्लेजेंट वेदर है आज। फाइनली पहुंच गए हैं, काफ़ी डिस्टेंस है, आइडिया नहीं था कि इतना दूर होगा। कैब में ही काफ़ी टाइम लगा और बस में तो और भी ज़्यादा टाइम लगता। इवेंट 9th to 20th March। यहाँ पे सारे हैं कैंडल्स। आइकिया एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे आपको होम फर्निशिंग की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर हम घर सजाने के बारे में सोच रहे हैं तो आइकिया सच में एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे एक्चुअली फर्नीचर्स में सब कुछ मिल जाएंगे, जैसे बेड, सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेयर्स, तो सारे कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे। साथ में होम डेकोर की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें हैं, और साथ में प्लांट्स का भी ह्यूज कलेक्शन है। तो हम जहाँ पे गए थे वहाँ पे सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन था। किचन आइटम अगर देखें वहाँ पे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, ह्यूज कलेक्शन है। क्रॉकरीज में भी काफ़ी डिज़ाइन है, काफ़ी वैरायटी है, तो सच में ऑल इन वन शॉप जिसको हम बोलते हैं वो है।
एक्चुअली वेयर हाउस है, साथ में हम जहाँ पे आए हैं ये शोरूम है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड है। हम तो सिर्फ एक ही कॉर्नर में है अभी, उस साइड पे और भी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी बड़ा है, तो एक ही साइड में इतना कुछ है, उस साइड में जाएंगे अभी। तो ये है फर्नीचर सेक्शन। फर्नीचर मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम सोफा ही है। ये है किचन का सेटअप। ओह एक्चुअली ये एक पूरे घर का सेटअप है। मुझे फर्स्ट लगा था किचन सेटअप है, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ये एक फुल घर है। तो देखिए सामने है लिविंग एरिया, टीवी सोफा सेट है, फिर ये है स्टडी एरिया, ये स्टडी टेबल, यहाँ पे है एक छोटा सा डाइनिंग टेबल, ये है किचन। ये है वॉशरूम, ये है बेडरूम। यहाँ पे एक छोटा सा कबर्ड भी है, यहाँ पे है एक छोटा सा स्टोरेज। अरे वाह, ये है किड्स रूम। बस घर हो गया है कंप्लीट।
ये एक दिन में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, जितना हो सके। आज तो फर्स्ट डे है इसलिए सिर्फ एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, सिर्फ घूम घूम के देख रहे हैं कि कौन कौन सी, मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या है। ये है पूरा किड सेक्शन, यहाँ पे छोटे छोटे कॉट्स है, यहाँ पे क्यूट क्यूट से ग्लास प्लेट स्पून्स फोक के सेट्स है। ये काफ़ी अच्छा है, अच्छा ही एक स्टोरेज बॉक्स है और नीचे इसका वो है व्हील्स भी है, तो इसको हम इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं, कभी मूव कर सकते हैं। ये आ गया प्लांट सेक्शन है, लेकिन ये आर्टिफिशियल प्लांट्स है सारे, तो ये 3 pound करके है, 3 succulents है, आर्टिफिशियल है। ये है कैफेटेरिया, अभी हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि मुझे जो लेना है, मुझे कुछ क्रॉकरीज लेनी है, तो वो है नीचे। हाँ, ये अभी आ गए हम क्रॉकरी सेक्शन में। यहाँ पे सब बोल्स और प्लेट से ही भरा हुआ है, काफ़ी कलर काफ़ी वैरायटी का है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। तो इस साइज का जो बोल्स है ये, तो ये 4 का 4 pound में काफ़ी रिजनेबल है, 4 plate 7 pounds।
आइकिया कितना फेमस है ये तो हम सबको पता ही है, लेकिन आइकिया फॉर्म हुआ था काफ़ी पहले, ये हुआ था 1953 में, और ये बेसिकली एक स्वीडिश मल्टीनेशनल कंपनी है। और आइकिया का जो फाउंडर है उनका नाम है इंग्वार कंप्रेद। तो ये है एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे कंट्रीज़ में काफ़ी सारे स्टोर्स है आइकिया के। हमारे इंडिया में भी स्टोर है, हमारे इंडिया में फर्स्ट हैदराबाद में ओपन हुआ था आइकिया, उसके बाद मुंबई में भी शॉप्स है, तो बस ऐसे ही काफ़ी कंट्रीज़ में इसके शॉप्स है। तो ये था आज का मेरा आइकिया का एक मिनी टूर, आपको कैसा लगा मुझे बिल्कुल बताना, कमेंट करके आपके व्यूज़ मेरे साथ बिल्कुल शेयर करना, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल मेरा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग के साथ जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।